नमस्कार। आज आम प्रस्तुत करने जाऊे पालंग शाग दुटा ब्रेकफास्ट रेसीपी। जेहेतु पालंग शाग सीजनल सहित पालंग शाग प्रचुर परिमाण में विटामिन थाई से डिफरेंट आइटम बनईकी खाई। आज मु पालंग पनीर परटा सहित पालंग पूरी बनईबी जोटा कि खायापी बहुत टेस्ट लगी था। चलते भी बनवा स्टार्ट करवा। पालंग शाग ब्रेकफास्ट को बनवाई मुझे दुई बिड़ा पालंग शाग नहीं शाग को मुझे भल भाव सफा कर फास्ट में यही शाग को सीझे नेबा से गोटे जगार किसी पा फुटापी छाड़ दी पा फुटिगला धोकी रखि शाग को पकई नौ आम शाग को ब्लांच करवा बेसी टाइम कुक करवानी हाई फ्लेम शाग को दुई मिनिट कुक करवा जस्ट शाग फुटा स्टार्ट हो गले पानी बाहर कर पूरा थंडा होगा छाड़ दौर किसी समय पर यही शाग थंडा हो जाए गोटे इंच अदा दीटा कंचा लंका पांच रु छ कोला रसुण दौर जदि आपण मैंने रसुण खाऊना तेल रसुण को स्किप करेंगे हाफ कप पा दे कि पेस्ट कर एथिरे बेसी पानी दे कि पेस्ट को पानिया करिवेनी। पेस्ट कर सरिया पारे ताको गोटे बड़ जगह को बाहर कर अधा छोट चमच लुण दुई चमच रिफाइंड तेल अधा छोट चमच जुआणी दौर ए सब कु भल भल भाव मिसीगला एड कर गहम अटा नॉर्मल परोटा पाई जमीका अटा चकटी था पालंग परोटा पाई भी सेमतीका अटा सहित पालंग पेस्ट को मिसेक चकटी नौ चकटा को बेस हार्ड करवानी कि बेस नरम भी करवानी ए अटा को चकटी नहीं घोड़े 15 मिनट रेस्ट छाड़ीदे। नेक्स्ट यही परोटा भितर स्टफिंग देवाई मुझे 200 ग्राम पनीर नहीं आपण मैंने परोटा पनीर स्टफिंग न देक भी साधा परोटा बनई पारे पनीर को मुझे ग्रेटर में ग्रेट कर ग्रेट कर सर एध छोट चमच लुण अध छोट चमच भजा जीरा लंका पाउडर कि फ्रेश धनिया पत्र दूँ हाथ में सब कुछ भल भाव मिसई नौ एम परोटा को बनई ने अटा चकटा भी भल भाव सेट हो जाए अटा चकटा नहीं कि फास्ट गोल कर गोल कर सर गोटे बाउल सेप दौर मुझे पनीर स्टफिंग नहीं कि भितर पैक कर आलू परोटा स्टफिंग को जमीक पैक कर पालंग पनीर परोटापी भी सेमती पनीर स्टफिंग को पैक करके सिल कर आपण मैंने परोटा पनीर स्टफिंग न दे कि खाली साधा परोटा भी बनई खाई यह बेली नौ बहुत अल्प अटा डस्टिंग करके बेली नौ बहुत ही हाल्का हाल्का बेलू जमा भी बेस प्रेसर दे कि बेलिवे नचे परोटा स्टफिंग बाहर को पड़े आसब देखिपे परोटा जमा भी फाटेनि एवं मुझे परोटा को सेकि नौ तावा गरम होगला परोटा को पकई दौर फास्ट में परोटार दीपट साइड को हल्का हल्का ब्राउन स्पॉट आसा पर्यंत सेकि नौ तापर यह तेल कि घी लगे ने नॉर्मली पिलामने पालंग शाग को शाग परिका रांधिक देले जमा भी खाती किंतु पालंग शाग गोटे बहुत ही हेल्दी विटामिन रे पूरा भरपूर पुणी शीत दिन में पालंग शाग प्रचुर परिमाण में मिली थाई से पा जदि एमती का पालंग परोटा बनई देते निश्चित खाइबे। एमती का सेम प्रोसेस बाकी परोटा गुड़ी भी तैयारी कर नौ परोटा बहुत ही नरम हो गरम गरम परोटा सहित खाया साइड आइटम किसी भी दरकार नहीं परोटा को आपण मैंने आपण फेवरेट सॉस कि आचार सहित खाइबे बहुत ही टेस्ट लगे। अटा चकटा ने आम पूरी भी बनई पारिबा पूरी खाया पिला को बहुत ही भल लगी था अटा चकटा मुझे पूरी बेली नौ पूरी को बेस पतला करके बेलिवे कि बेस मोटा भी करके बेलिवे
एबे एई पूरी को मु छाणी नउची। तेल भल भाव गरम हो गला पूरी को पकेबे। एई पाळंग पूरी भी खाया पई बहुत ही टेस्टी लागी थाई। पाळंग पोटा को आपण माने निजे खांतु, पूरी को छोटो पिला मन को बनाई के दियंतु, पिला माने बहुत ही एन्जॉय करिवे। पूरी सहित आलू कसा बनाई के खांतु, खाया पई बहुत ही टेस्टी लागिवो। देखि पाथुबे एबे हमर पाळंग पूरी भी रेडी हो गलाणी। गोटे अटा चकटा दुईटा भेराइट जलखिया पुणी बहुत ही हेल्दी ता सहित बहुत ही टेस्टी जलखिया तैयारी हो कि रेडी हो जाइछि। जदि रेसीपी आपण मानक भल लगी था लाइक करूँ, कमेंट करूँ, जदि सब्सक्राइब करना गोटे थर पर सब्सक्राइब करनी, पाखे बेल आइकन क्लिक करके ऑल ऑप्शन सिलेक्ट करूँ। यह द्वारा मुझे जहाँ भी नुआ नुआ वीडियो अपलोड करी तो नोटिफिकेशन आपण माने पाई पारिबे। पुणी मुझे आसबी गोटे नुआ वीडियो नुआ रेसीपी से पर्यंत रहुची। नमस्कार।